Hey, what's up my YouTube family? It's RNQ. Welcome to the another vlog. Shit, ab shit bhi sun lo kyun hai shit, kyunki tumhara bhai are bahut din ho gaye yaar. Dekho shaadi mulch ho gaya tha aur itna pak gaya tha. Dekho main shaadi ke andar, main matlab family ke andar ek shaadi thi aur sachi keh raha hu yaar, har kisi mein tal jana, family ki shaadi mein mat jana, pagal kar dete hain family wale, really sachi keh raha hu. और गाइस, सबसे पहले भाई देखो, आप लोगों को ही कर रहा हूँ ज्यादा, वो मत करो इधर उधर, देखो देखो मत, आप लोगों को ही कर रहा हूँ भाई. शुक्रिया बहुत ज्यादा वाला 100K तक पहुंचाने के लिए. भाई देखो, हर यूट्यूबर का सपना होता है सबसे पहले 100K, क्योंकि 100 पे बेसिकली सिल्वर प्ले बटन भी आता है, बट अभी मीन अपन ने मंगाया नहीं है. और सबसे भाई इतनी मतलब दिल से खुशी हो रही है यार, मतलब 1 लाख व्यूज मेरे नाम पे हैं, मेरे नाम पे बहुत खुशी होती है यार, बहुत ज्यादा वाली खुशी होती है. सो कैमरा तो बेसिकली देख लो हमारा यही, और ये मेरा छोटा सा प्यारा सा घर जो कि किसी 5-स्टार होटल से कम नहीं लगता मेरे को, क्योंकि मैं दिन भर उस अपने स्टूडियो में पड़ा रहता हूँ और कुछ काम धंधा है नहीं मुझको, और कुछ थोड़ा बहुत काम करता हूँ वो मैं कर लेता हूँ, बाकी का भगवान जाने, बाकी का काम मैं नहीं करता कुछ भी, और खाना वाना का तो अपना पूरा सिलता लेता हूँ. और भाई अभी एक लेजेंड भी चल गए दुनिया से, सिद्धू मूसेवाला. भाई हकीकत बात कहूँ, मतलब जिस दिन सुनने में आता सिद्धू मूसेवाला इज डेड ऑन दैट, उस दिन यहाँ मतलब मेरे को इतनी हैरानी हुई, जिस बंदे के गाने कल मैं शादी नहीं थी बेसिकली, शायद कुछ क्या कहते हैं उसको, शादी से पहले सगाई, हाँ या सगाई थी हाँ शायद, मेरे को देखो बेसिकली याद नहीं क्या था. उस दिन उसके गाने सुन रहे थे, अगले दिन खबर आई 29th को कि भाई सिद्धू मूसेवाला इज नो मोर. मैंने यार मेरा दिमाग खराब, जिस बंदे के गाने कल चल रहे थे यार गाड़ी के अंदर, वो बंदा गायब हो गया अचानक से. सो दो एक दिन तो मेरा भी दिमाग खराब हुआ था शादी के अंदर कि भाई सिद्धू मूसेवाला भाई को नहीं जाना चाहिए था, बहुत बढ़िया सिंगर थे. सो 100K की मेरे को बहुत खुशी भी है उनके जाने का, बहुत दुख भी है, सब कुछ है बहुत ज्यादा. सो जो भी है अब ऊपर वाले की मर्जी, क्या किसी की नहीं चलती. और तो मेरे को भाई 4-5 लोगों के मैसेज आए थे. भाई मैंने स्टोरी लगाई थी बेसिकली ट्राईपॉड की, मैंने ट्राईपॉड मंगाया ना उसका. सो उन्होंने कहा कि भाई आप अपना वापस एक पर्टिकुलर सेटअप दिखाओ, आपके पास क्या क्या सामान है अभी बेसिकली. और वो मैसेज आया था, देखो मेरे पास कुणाल ब्लॉगिंग करके एक चैनल है, उससे उनके इंस्टाग्राम पे कोई 350 फॉलोअर्स के आसपास है, उनसे मेरे को मैसेज आया था भाई सेटअप दिखा दो अपना. सो मैंने कहा था ठीक है. सो अपना सेटअप दिखाते हैं आज सबको क्या है, और गर्मी के अंदर मैं मर गया हूँ. सो मैं उधर वाले कमरे में अपने स्टूडियो में चल के एसी दिखाता हूँ. सो मिलता हूँ आपसे कुछ देर बाद मेरे जानो, चलो बाय बाय. सो गाइज, अब फाइनली देखो इधर की तो लाइट वाइट बंद कर दी बेफाल, तुम्हें बिजली बचानी चाहिए अपने लोगों को. और अभी का शूट हो रहा है ये अपने गिम्बल से हो रहा है, जो कि सस्ता वाला गिम्बल है ना कि महंगा वाला. और यहाँ पे लाइट वाइट बंद कर दिया, अब चलते हैं अपने स्टूडियो के अंदर. सो गाइज, ये अपन आ चुके हैं अपने स्टूडियो के अंदर. अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ अपना छोटा सा प्यारा सा छोटू सा सेटअप, ये रहा सारा का सारा मेरा सेटअप. और ये है अपने सेटअप के अंदर नई चीज, ट्राईपॉड है भाई. देखो ये अपन ने लॉजीटेक का मंगाया, जो कि यार समथिंग मेरे को 800 रुपए का ही पड़ गया राउंड फिगर. और वारंटी सब आई है इसकी, कांच के अंदर आप देख सकते हो. मतलब गिम्बल से पता नहीं होता तो कुछ नहीं है, मेरे को लग नहीं रहा यार, पैसे खर्च कर दिए मैंने गिम्बल के अंदर यार बेफालतू के, सच्ची कह रहा हूँ. तो ऐसा करता हूँ मैं हाथ से ही बनाने की कोशिश करता हूँ, कि गिम्बल मेरे को घंटा समझ में नहीं आ रहा. हाँ सो ये गाइज अपन ने लिया है न्यू ट्राईपॉड, जो कि है लॉजीटेक का टी मिनी शायद इसका नाम, इसलिए क्योंकि ट्राईपॉड मिनी. और गर्मी बहुत लग रही थी यार, इसलिए मैंने एसी को स्टार्ट कर दिया. दिख रहा हो आप लोग उसमें, हाँ दिख ही गया होगा आई होप ये. सो गाइज, ये सारा मेरा सेटअप है, ना कि कुछ देखो ज्यादा बड़ा है, पर जो भी है खुद बनाया है अपन ने, धीरे धीरे वीडियोस में मेहनत करके, थोड़ी बहुत
रिलेटेड इनकम जनरेट करके जो भी है। सबसे महंगी चीज़ तो सेटअप की अभी तक मेरी यही है जो कि सैमसंग का MX10 X3 कैमरा है, और ये अपनी स्मार्ट वॉच जो भी अपन ने मंगाई थी इस पर देखो मार्वल्स लिखा हुआ, मस्त लगती है यार स्मार्ट वॉच के ऊपर, या एप्पल की कुछ लपड़ी लुपड़ी जो भी है, तो उसको बंद करते हैं फिलहाल, इसको पटकते हैं। ये वो फ़ोन है गाइस जिससे स्टार्ट किया था, ये सच्ची कह रहा हूँ, ये वो चीज़ है जिससे इतनी सारी चीज़ें आई हैं, यही वो चीज़ है सच्ची कहूँ। अभी मैंने न्यू फ़ोन ले लिया है चाहे रेडमी नोट 10, बट यार सच्ची कह रहा हूँ मैं इसको सिर्फ शूट के लिए यूज़ करता हूँ एज अ एक सेकेंड फ़ोन, सारा काम मैं ना अपना इससे ही करता हूँ बिकॉज यार फर्स्ट फ़ोन है, और अगर ये चीज़ नहीं आती ना तो सच्ची कह रहा हूँ ये भी नहीं आती। शायद आप लोग आर्यन गौर ब्लॉग्स को भी नहीं जानते कौन है ये बंदा, हो सकता है यार नहीं जान पाते। ये टैबलेट इसने काफ़ी मदद की, और लैपटॉप की बात करूँ तो मैं लैपटॉप उधर रखा है जिसके अंदर मैं वीडियोस एडिट करता हूँ, और आप लोगों के पास वीडियो थोड़ी ढंग से पहुँच जाती है, वरना सीधी सीधी वीडियो जोड़ के भेजूँ तो उसमें कुछ मज़ा नहीं आता। भाई ने बोला भी था ट्राइपॉड खोल के दिखाना है यार आपका, देखो एक मिनट मैं इसको खोल लेता हूँ गाइस, उसके बाद आपको दिखाऊँ बाकी सारी चीज़ का, तो वैसे ही अपने रिव्यू देख रखा है इसका भी दिखा देता हूँ, देख लो बाय। सो गाइस फाइनली ये रहा हमारा ट्राईपॉड लॉजिटेक एम मिनी। भाई देखो इसके साथ जो ये गिम्बल लिया है ना, क्या कहते हैं इसको, माउंट, हाँ ये मैंने खुद मंगवाया है दूसरा ब्रांड का, ये MR5 का है जो कि मेरे को 120 रुपये का पड़ा, ज़रूरत थी इसलिए इसलिए मंगाया मैंने, वरना नहीं मंगाता यार देखो मैं, क्योंकि जो कि 120 रुपये का प्लास्टिक का, पर यार क्वालिटी इसकी बढ़िया है, देखो यहाँ पे भी रबर्ड्स लगे हुए हैं, यहाँ पे भी ऑटो फोकस जो भी है बढ़िया है, और बाकी इसकी लेंथ भी काफ़ी बढ़िया ही लगी मेरे को इस प्राइस रेट पे, क्योंकि लॉजिटेक इन सबके वो बहुत आते हैं, और ये खोखला नहीं है भाई, यहाँ आता क्या है उसके अंदर फिर रबड़ रबड़ सा है कुछ, ये देखो अंदर और उंगली नहीं जा रही मेरी, ये देखो, और ये इसकी तीन टांगे जिनमें लेग्स सॉरी टांगे हिंदी में शायद हिंदी में चल गया, इसमें हर जगह लॉक्स प्रोवाइड कर रखे हैं अपन को, और एक क्रिप है जो और नीचे हो सकती है पर मैं कर नहीं रहा, ये पूरा अब ये बिल्कुल ओपन है और काफ़ी बढ़िया, और लाइट वेट है भाई सबसे बढ़िया, सबसे मेन चीज़ लाइट वेट चीज़ है, ये देखो मैं इसका लॉक से इसको पूरा उठा सकता हूँ और एक उंगली पे, और बल्कि ये चीज़ पूरी मेटल की है, आवाज़ सुनना आइए आवाज, ये पूरा मेटल का है, और हाँ ये है ये चीज़ शायद रबड़ और प्लास्टिक की है, और यहाँ पे आपको मीटर मिल जाता है कि भाई टेढ़ा थोड़ी है, देखो इसमें एक बूंद सी है ना छोटी सी, ये देखो ज़्यादा इस साइड करूँगा तो इस साइड करूँगा तो, अब जिसकी ये है अभी इस लाइन और इस लाइन के बीच में रहना चाहिए, इसका मतलब सेंटर पे है, और वो ये ऊपर हो जाता है, ये माउंट का पेच यहाँ से दे रखा है हमको, और ये कुछ ऐसे घूम घूम भी लेता है, देखो मैं अकेला हूँ अभी इसलिए अकेले शूट कर रहा हूँ, हैंडल पकड़ के हम इसमें अपना फ़ोन लगा के 360 घुमा भी सकते हैं, और हर चीज़ का अलग अलग लॉक सिस्टम है, अपन को यूं करना है तो अपन इसको घुमा के यूं भी घुमा सकते हैं। अब जबकि जो टिकटॉकर्स होते थे होते थे नहीं होते हैं अभी भी वो यही करते थे, अब जबकि मैं लगाना चाहूँ उसके अंदर मैं अपना फ़ोन लगा सकता हूँ, बट यार ये ढीला है अभी, देखो मेरे को डर लग रहा है, और मैं एक हाथ से अभी वीडियो बना रहा हूँ वरना लगा के दिखा देता, क्योंकि यार ये चीज़ ढीली है अभी देखो, या तो फिर मैं इसको टाइट करता हूँ फिर आपको लगा के दिखाता हूँ, रुको एक मिनट मैं इसको यूं रखता हूँ, यूं कैसे ही रखूं यार, एक मिनट देखते हैं, सो गाइस बड़ी मशक्कत के बाद टेढ़ा मेढ़ा करते करते मैं लगा ही दिया, ट्राईपॉड को मुंह से पकड़ना पड़ा यार, जो कि कोई आसान काम नहीं है बिल्कुल भी, ये टेढ़ा हो रहा है क्योंकि देखो ये टेढ़ा होता जाएगा क्योंकि ये ढीला है यार अभी, और मैं इसको टाइट कर देता हूँ, अब देखना अब ये नहीं जाएगा, अब मैं चाहूँ तो देखो इसको यूं अब यूं करूँगा तो ये ऐसे ढीला है यार, मेरे साथ ही क्यों होती है गाइस सारी झपड़बाजी यार दुनिया के अंदर, अब मैं इसको वापस ढीला करता हूँ, मैं इसको यूं किया और ये टाइट, इसको हल्का सा साइड खिसकाता हूँ, ये तो ये हमारा फ़ोन है जो बेसिकली वो ट्राईपॉड के अंदर लग चुका है, जो कि कुछ ऐसा लग रहा है पूरा सेटअप लगने के बाद
टांगे भी सही हैं इसकी लेंथ जो मेरे को लगी, जितनी बेसिकली मेरे को चाहिए। जैसे कि मैं हूँ यहाँ पे, देखो मैं एक बार कैमरा फ्लिप करता हूँ, जैसे कि मैं हूँ, सॉरी फेस गंदा है मेरे को पता है। अब जैसे कि मेरे को यहाँ बैठ के वीडियो बनानी है गाइस, है ना, तो मेरे को क्या है ये लगाया है यहाँ पे, मतलब मैं बैठ जाऊं, बैठ गया हूँ ना, उसके बाद मैं यहाँ पे आराम से वीडियो बना सकता हूँ। इसकी लेंथ इतनी है कि भाई ये मेरा आराम से मेरा फेस कवर कर सकता है, आराम से मेरा फेस कवर कर सकता है। सो इसलिए मैंने ट्राईपॉड में इन्वेस्टमेंट किया, क्योंकि लग रही थी जरूरत है अरब इसकी। और बेसिकली बढ़िया चीज होती है ट्राईपॉड, कोई भी वीडियो क्रिएटर हो जाए, देखो कोई भी सोशल मीडिया पे जो वीडियो क्रिएट करता है, बेसिकली उसका पहला सपना यही होता है कि उसके पास एक ट्राईपॉड हो, चाहे अब वो आप टिकटॉकर मानो, कुछ भी मानो, वो आपकी मर्जी है, जो भी है। मेरे को इसकी क्वालिटी बढ़िया लगी बाय द वे, बस इतना ही कहना चाहूँगा। और ये अपना वही ओल्ड प्यारा सा सेटअप, ये मेरा कैमरा जिससे मैं कभी कभार शूट करता हूँ, क्योंकि यार ये इतना भारी है, इतना भारी है कि भाई इसे शूट करना मतलब इससे मैं शूट करूँ ना मेरा बाइसेप बन जाए, एक महीने के अंदर मेरा बाइसेप बन के रेडी हो जाए, चोरिया मंडे लग जाए, सच्ची कह रहा हूँ यार, पर मेरी औकात नहीं है इतनी। और ये मेरी वॉच का बॉक्स, इसके ऊपर स्टिकरिंग लगी हुई थी पूरी के ऊपर यहाँ पे, कौन सी थी, W26 ऐसी आई थी, ये वही अपने प्यारे एयरपॉड्स। और भाई इसने तो बहुत शहीदियाँ झेली हैं गाइस, इसको मैं 4 बार ठीक कराया, और इसको मेरे को लग रहा है मेरे को कल वापस इसके डॉक्टर के लेकर जाना पड़ेगा, यानी हेलो इंडिया मोबाइल स्टोर लेकर जाना ही पड़ेगा यार, इसके अंदर दिक्कतें बहुत हो रही है। और ये ट्राईपॉड का बॉक्स जो भी है, फालतू सा डब्बा है, इसके अंदर एक पॉलीथिन हो रही है, इसके ब्लैक रंग का मतलब छोटा सेफ्टी बैग है। और ये अपना ये प्यारा सा स्मार्टफोन देख लो यार, लॉग भी क्या करोगे, वैसे मेरी कोई सीक्रेट चीज है नहीं, मैं सब अपने यार भाई लो दोस्तों से सब शेयर करता हूँ। इसका गाइस कैमरा इतना लड्डा कैमरा था, सच्ची कह रहा हूँ, इसी फोन से व्लॉगिंग स्टार्ट की थी मैंने, और हकीकत बात को शायद वो मेरा सबसे जिंदगी का सबसे बढ़िया डिसीजन था कि उससे स्टार्ट तो की मैंने। और देख सकते हो दिख रहा होगा फोन के अंदर सब कुछ, और अभी देख लो ये अपना गिम्बल है जो भी है, और ये नया जो ये वाला ट्राईपॉड के साथ आया था, ये जो है ये अपना ट्राईपॉड के साथ आया था, जो कि बिल्कुल घटिया क्वालिटी का है। और ऐसे करके मैं बनाना चाहूँ तो मैं आराम से वीडियो बना सकता हूँ। सो बेसिकली काफ़ी बढ़िया चीज़ है और ट्राईपॉड भी। और भाई गर्मी एसी हवा दे 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 दे। सो गाइस बस आज के ब्लॉग के अंदर इतना ही, अब मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर आप लोगों को, और पार्टी बनती है 100K की, जैसे ही करूंगा अजय भाई, अभी 2-3 दिन की तो बहुत तगड़ी थकान हो रही है, शादी के अंदर गया था ना इसलिए। सो अब जैसे ही आऊंगा ना यार, वैसे ही सबको बताऊंगा कि भाई यार मैं थक चुका हूँ यार, बहुत तगड़ा वाला फर्स्ट थिंग, ये आपको भी समझ लेना चाहिए भाई, क्योंकि गर्मी देखो यार, अब गर्मी समझो यार, गर्मी कितनी ज्यादा हो रही है, उसके अंदर शादी और फैमिली फंक्शन की तो गाइस सबसे बेसिकली चीज ये होती है कि वहां पे आपको काम कराना पड़ता है, मतलब आपको खुद काम कराना पड़ेगा, मतलब आप पूछ भी नहीं सकते काम करना है, जो काम दिख रहा है आपको खुद कर लो। मेरी फैमिली के तो बेसिकली यही सिस्टम है कि जो काम किया जा रहा है उसको, और खुद का फैमिली फंक्शन हो तो उसके अंदर तो भाई सच्ची कह रहा हूँ रेला ही रम जाता है पूरा गंदा वाला। सो जो भी है बेसिकली गाइस, आप मेरे से रिक्वेस्ट आई थी कि भाई ट्राईपॉड सेटअप दिखा दो, छोटा सा प्यारा सा इट्टू सा सेटअप है, कितना सा इट्टू सा सेटअप है जो कि था, मैंने दिखा दिया। और फिलहाल अब करता हूँ उस व्लॉग का एंड, अब आपको मिलूंगा एडिटिंग करते हुए, क्योंकि यार मैं बहुत गंदा आ रहा, थक चुका हूँ, थक गया मतलब थक गया भाई शादियों के अंदर घूम घूम के। और ये अपना एयरपॉड इसको निकाल के रखता हूँ इसके अंदर, और जो भी है बेसिकली फिलहाल अब करते हैं इस व्लॉग का एंड, अब आपसे मिलूंगा एडिटिंग करते हुए। सो बाय। सो हे व्हाट्सअप गाइस, फाइनली इसको हटाओ यार साइड में, एडिटिंग करके कंप्लीट हो गया। और आज तो पता नहीं यार लैपटॉप में क्या दिक्कत हुई, अचानक से कुछ ग्लिच था, कुछ भी था, अब आई डोंट नो क्या था, अचानक से लैपटॉप भी बीच में एडिटिंग में बंद हो गया था। सो मेरे को लग रहा है नया लैपटॉप लेना पड़ेगा, सो रिकमेंड करना कौन सा लैपटॉप लूँ मैं। और भाई देखो प्राइस रेंज बता देता हूँ, ज़्यादा महंगा ही लेना, 40,000 तक का बता देना, तो देख लेंगे वो अपन।
क्योंकि यार ये बहुत पुराना मॉडल हो चुका है और नया लेने की जरूरत है अब एडिटिंग करने के टाइम यार, जरूरत तो पड़ती है। सच्ची कह रहा हूँ, और मम्मी पापा ही बाहर गए हुए हैं, और सच्ची कह रहा हूँ जैसे ही घर पे घुसेंगे मैं सुनने वाला हूँ एक पे एक ताबड़तोड़ बातें, क्योंकि मैंने शूट तो यहाँ कर लिया है पूरा, मतलब मैं ट्राइपॉड तक तो खोल दिया, ट्राइपॉड भी नहीं हटा, मतलब फोन भी चालू है अभी ट्राइपॉड पे, और ये सारा का सारा बखेड़ा भी इधर ही फैला पड़ा है, और जितना लगता है बातें तो सुननी पड़ेगी यार, क्योंकि भाई मम्मी पापा की बातें कभी खत्म नहीं होती यार, स्टार्ट हो जाती है उसके बाद समझ रखो। तो जो भी है गाइस, फिलहाल अभी एडिटिंग कंप्लीट कर ली, वीडियो को अभी नहीं डालूंगा, वीडियो को डालूंगा आधे घंटे बाद, जेंडर वेल लगा दूंगा। सो फिलहाल अब मिलते हैं भाई कुछ ही लो, एसी में बैठ के एडिटिंग करने का जो मजा आता है ना, बाय गॉड कहीं नहीं आता। और एक काच हमारा आज भाई सबसे मेन चीज लैपटॉप चार्ज था, पर पता नहीं मन क्यों हो गया वो पता है। और ये टीवी पता है, ये टीवी लग रहा है, और ये टीवी को स्टार्ट हुए वो 4 से 5 महीने हो गए, इसको कोई रिचार्ज ही नहीं करा था, जब से स्मार्ट टीवी लगवाया ना हॉल के अंदर तब से इसको, इस बेचारे का तो भाव ही पड़ना बंद हो गया। और ये अपना रिपीटेड गिम्बल, सारा सामान पड़ा हुआ है इधर, और जल्दी से सलटा सलटा देता हूँ, तो वैसे पढ़नी है मेरे को कितने कर लूँ, ठीक है ना। सो फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, आई होप आपको व्लॉग पसंद आया होगा, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहो गाइज, बहुत खुशी हुई मेरे को 100K की, और भाई मतलब इतनी अच्छी वाइब्स आती है 100K यार, मतलब कोई नहीं कर पाता जो भी है जैसा भी है, बहुत बहुत भाई सच्ची कह रहा हूँ, मैं बोल नहीं सकता, मैं थैंक यू कैसे करूँ आपको, आई लव यू 3,000, आई लव यू 4,000, 10,000, 11,000, लाख, 1 लाख, करोड़, मिलियन, ट्रिलियन, कुछ भी कह लो, मेरे पास वो नहीं है बयां करने के लिए, शब्द नहीं है बयां करने के लिए, जो भी है भाई। देखो मैं इतना शुद्ध हिंदी नहीं बोल पाता क्योंकि हिंदी और फ्रेंच थोड़ी जो भी आवाज आई हो छोड़ो। सो जो भी है फिलहाल करता हूँ इस ब्लॉग का एंड, क्योंकि यार देखो मैं बहुत थक रहा हूँ, 2-3 दिन से शादी के अंदर बिजी था भाई, सच्ची करो शादी वाले देखेंगे ना जो तो मेरे ब्लॉग देखते हैं मेरे फैमिली के अंदर, वो सच्ची करो मैं वो गाली निकालने वाले हैं। सो फिलहाल सॉरी भाई इन लोगों को सबको, मैं थक चुका हूँ, बहुत तेज नींद आ रही है, सो आई होप वीडियो पसंद आई होगी, अब मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। सो